Hello students, we have already talked about microbes as biocontrol agents, and now I am going to discuss with you microbes as biofertilizers. अब आपको पता है कि आजकल का जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है इसकी वजह से बहुत सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की कंडीशंस क्रॉप अप कर गई हैं, तो उनके बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, बट उसमें से एक फैक्टर जो है दैट इज द यूज ऑफ केमिकल्स इन द एग्रीकल्चर. अब हो क्या रहा है कि विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड ऑन द फूड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, और उसको फूड को एनहांस करने के लिए, उसको प्रोडक्शन को एनहांस करने के लिए बहुत सारे केमिकल्स आर बीइंग यूज्ड. सो दीज आर लीडिंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन. सो दैट्स वी कैन से दे आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनवायरमेंटल पॉल्यूशन. तो उसको अगर हमने कंट्रोल करना है तो वो उसका क्या एक तरीका है, that is what we need to discuss or understand right now. For this we have to shift to biofertilizers, from chemical fertilizers to biofertilizers. To kyunki jo organic farming hai that is the only answer to it, so we need to understand biofertilizers. They are the organisms that enrich the nutrient quality of the soil. For example, bacteria, fungi and cyanobacteria, they can all act as biofertilizers. तो कोई भी लिविंग चीज जो है वो फर्टिलाइजर्स का काम करे या वो फर्टिलाइजर जो न्यूट्रिएंट्स उनको प्रोवाइड करने का काम किए तो उनको हम बायोफर्टिलाइजर्स कह देते हैं. अब बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं. राइजोबियम जो है इट इज सीन इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, दे फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन. तो ये एक एक तरह से आप कह सकते हो एक बाउंड बैक्टीरियम है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में रहता है, और वहीं पर रहकर ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है जिससे कि दैट इज मेड अवेलेबल टू द प्लांट्स. साथ ही साथ हमारे पास फ्री लिविंग बैक्टीरिया भी हैं जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, लाइक एजोस्पिरिलियम एंड एजोटोबैक्टर. ये भी नाइट्रोजन कंटेंट को एनरिच करने का काम करते हैं. अब बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया की. तो साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह देते हैं. इट्स अ ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हमने इसको ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स बोला है क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन, जैसे ग्रीन एल्गी की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और प्लांट को साथ ही साथ वो हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन फिक्स करके उसको न्यूट्रिएंट देने के साथ. तो इनके एग्जाम्पल्स हैं एनाबिना, नॉस्टॉक और ऑसिलेट्रिया. पेडीफील्ड्स के अंदर साइनोबैक्टीरिया जो है एक्ट्स एज बायोफर्टिलाइजर्स. It adds organic matter and increases soil fertility. तो ये सारे जो different तरह के हमारे organisms हैं हमने देखा, जो हमें जो plants को nitrogen या phosphorus या nutrients जो भी चाहिए वो provide करने का काम करते हैं, इनको हम biofertilizers कहते हैं. और ये आजकल बहुत सारे farmers जो हैं वो इस तरह के fertilizers को use कर रहे हैं, biofertilizers को use कर रहे हैं commercial scale के ऊपर, जिससे कि जो केमिकल्स हैं उनके हार्म से बचा जा सके और साथ ही साथ जो प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, और ये सारे जो हैं हेल्दी क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं. थैंक यू.